अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के इस डाटा ट्यूटोरियल में हमारा टॉपिक है सिंगल कोट्स वर्सेस डबल कोट। तो जब हमने स्ट्रिंग देखा कि स्ट्रिंग क्या होता है, हमने उसके बाद प्रैक्टिकली थोड़ा स्ट्रिंग देखा और स्ट्रिंग के रूल देखे, अब हम बात करते हैं कि जब हम स्ट्रिंग लिखते हैं, मिसाल के तौर पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, मैंने कहा वार ग्रीट और मैंने यहाँ पर लिखा हेलो वर्ल्ड। तो ये जो हेलो वर्ल्ड मैंने लिखा, ये बिल्कुल परफेक्ट मैंने लिखा ना, ठीक है। इसको मैं प्रिंट भी करा लेता हूँ। तो हम वैसे अगर मैं बात करूं कि हम इस हेलो वर्ल्ड को वैसे हम इस वैल्यू को बोलते हैं स्ट्रिंग लिटरल, ठीक है। और मैंने इसको यहाँ प्रिंट करा, अब मैं इसको चलाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरा स्ट्रिंग लिटरल यहाँ आ चुका है, ठीक है। तो अब बात यह कि बाज लोग सिंगल कोटेड यूज़ करते हैं, बाज लोग डबल कोटेड यूज़ करते हैं, तो कौन से सिंगल कोटेड यूज़ करना सही है या डबल कोटेड यूज़ करना सही है। तो प्रीफर जो डार्ट लैंग्वेज कहती है वो रिकमेंडेड करती है कि आप सिंगल कोड जो है वो यूज़ करें, ठीक है, सिंगल कोड आप यूज़ करें। लेकिन मिसाल के तौर पर आप जो है वो सिंगल कोड आपने लिखा लेकिन आप सिंगल कोड अंदर भी यूज़ करना चाहते हैं, तो ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे, आपने यहाँ लिखा फ्लटर और यहाँ पर आपने इसको बंद कर दिया। अब इसी सूरत में आप चाहते हैं कि ये सिंगल कोडेड भी आए, तो ये तो एक प्रॉब्लम है ना, तो ऐसा तो होगा नहीं, एरर है, सिंगल कोडेड हम यूज़ कर ही नहीं सकते जब अंदर हम यूज़ करेंगे। तो इसके लिए आप जब ऐसा कुछ सिनेरियो आए तो आप बाहर की तरफ डबल कोडेड यूज़ करें और अंदर की तरफ सिंगल कोडेड यूज़ करें, तो ये बिल्कुल वर्किंग फाइन है और ये चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप सिंगल कोडेड यूज़ करना चाहते हैं, आप कहते हैं कि नहीं भाई डबल कोडेड में यूज़ नहीं करूँगा और मैं सिंगल कोडेड यूज़ करूँगा और ऐसा होना चाहिए, तो ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे, इसको यूज़ करने से पहले बैक स्लैश आप लगा लेंगे और इसको भी यूज़ करने से पहले आप इसके पीछे बैक स्लैश लगा लेंगे। अब जो बैक स्लैश होता है उससे ये होता है कि ये जो है वो एस्केप करेक्टर जो है वो कहलाता है और ये जो है वो इस तरीके से आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये है और एफेस्ट्रोफी इसे हम कहते हैं, तो एफेस्ट्रोफी जब आप यूज़ करना चाहेंगे तो आप इस तरीके से जो है वो इसको यूज़ कर लेंगे। तो यही हमारा टॉपिक था आज का और मिलते हैं एक नई वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया।